नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मीना बुटीक चैनल पे। आज इस वीडियो में एक चूड़दार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जो यहाँ पर मैंने बिगर थैली बनाए हुए चूड़दार की कटिंग की है आसान तरीके से, और आसान तरीके से इसके जॉइंट वगैरह अटैच करना मैंने बताया है। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर से दबाएं। उससे क्या है कि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। और साथ में आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, चूड़दार की कटिंग और स्टिचिंग करने से पहले यहाँ पर कपड़े का एक देख लेते हैं कि ये मेरा जो कपड़ा है 2 मीटर है। ये चूड़दार का आप अलग अलग कपड़े में बना सकते हो। ये मेरा कॉटन कपड़ा है 2 मीटर। इसकी सबसे पहले तो इसकी मेजरमेंट देखेंगे कि जो अपन कटिंग कर रहे हैं चूड़दार, उसका मेजरमेंट क्या है और उस फॉर्मूले के अनुसार आप किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा एक इसका मेजरमेंट मैं बता देता हूँ, इसी के अनुसार अपन कटिंग करेंगे। ये चूड़दार एक बना रहे हैं, इसकी मेरी टोटल लेंथ है जो 43 इंच है। इसमें आप एक्स्ट्रा में जो चूड़ियाँ ऐड कर सकते हैं, 15 इंच कर सकते हैं, 20 इंच कर सकते हैं, 10 इंच कर सकते हैं। कपड़े के अकॉर्डिंग आप इसमें चूड़ियाँ जो नीचे की तरफ होती हैं वो सेट कर सकते हैं, या आप इसमें चूड़ियाँ न डाल के नैरो जो स्ट्रेट चूड़दार भी चलती है वो भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका चूड़ियों का कैलकुलेशन। इसकी सबसे पहले नाप लेंगे, ये तो टोटल लेंथ हो गई। एक नाप होगी घुटने की, ऊपर कमर से जो अपना घुटना नी होता है वहाँ तक की नाप ले लेते हैं। दूसरी होती है जो नीचे की मोहरी होती है, सलवार चूड़दार में नीचे की मोहरी होती है, वो मेरी 10 इंच है, और घुटने की गोलाई मेरी 14 इंच है, 14 इंच, और जो थाइज है इसकी थाइज मेरी 21 इंच है, 21 इंची, और इसकी हिप्स है 38 इंच, 38 इंच। ठीक है, इसमें 2 मीटर से 2.5 मीटर कपड़ा अपने को चाहिए। तो ये तो हो गया इसका चूड़दार का मेजरमेंट। ये फिटिंग की नाप है, इसमें कोई लूज वगैरह नहीं है, परफेक्टली फिटिंग की नाप है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले सबसे पहले तो जो अपना कपड़ा है ये 2 मीटर है, इसको डबल फोल्ड करते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब इसे कोण शेप में इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ से सेट कर लिया और यहाँ नीचे से मैंने इसको बराबर रख दिया, इसको ऐसे। ये मेरी 4 लय हो गई है यहाँ पर इस तरह से। एक पल्ला मेरा छोटा आ रहा है, एक पल्ला मेरा बड़ा आ रहा है, 2 पल्ले बड़े आएंगे और 2 पल्ले छोटे आएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आपको सेट करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको एक निशान सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पर। ये देखिए मेरा कपड़ा है, आप इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सीधी निशान खींचनी है। अगर आपके पास कटिंग टेबल नहीं है, आप फर्श पे कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको बिछा लें और एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींच लें। ठीक है, तो ये मैंने सीधी लाइन खींच लिया है एक आइडिया के तौर पे। अब क्योंकि यहाँ पर बेल्ट वाली चूड़दार बनाएंगे तो यहाँ बेल्ट में लगाऊंगा 8 इंची का, यानी 6 इंच तैयार। तो ये मेरा 6 इंची का ये बेल्ट लग चुका ऊपर की तरफ, ये मान लीजिए बेल्ट का मैंने छोड़ दिया। दूसरा निशान यहाँ पर लगाएंगे आसन का 14.5 इंच पे। ठीक है, तीसरा निशान लगाएंगे जो घुटने की जो ऊपर से कमर से जो अपनी घुटने की लंबाई है उसका 23 इंच पर, 23 इंच पे। चौथा निशान यहाँ पर आ जाएगा टोटल लेंथ का, और फिर इसमें जितना आपका कपड़ा के अनुसार, अगर चूड़दार ज़्यादा है, जितनी आपको चूड़ियाँ चाहिए उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें 10 इंची चूड़ियाँ 10 इंची रख रहा हूँ। तो ये चीज़ अपनी हो गई। यहाँ पर कैलकुलेशन एक चीज़ बता दूँ, ये नाप भी आप लगा लेंगे और ये भी आ जाएगी जो आसन वाली है, ये इसका कैलकुलेशन या तो आप हिप्स का तीसरा हिस्सा भी करके लगा सकते हैं, या 14-15 या 13.5 इंच के आसपास आप इसे लगा सकते हैं। इसमें इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपकी 36, 35, 38 हिप्स के अनुसार ये निशान आपका आता है, तो यहाँ पर मैंने 14.5 इंच लगाया है। तो ठीक है, ये मेरा 14.5 इंच इसमें ठीक ठाक रहेगा, टाइट भी नहीं रहेगा, लूज भी नहीं रहेगा, एकदम परफेक्टली है। अब इन पे ऊपर सीधा सीधा निशान खींच लेंगे सबसे पहले इस तरह से। अब यहां पर अपनी कमर आ जाएगी, यहां पर बेल्ट अटैच करेंगे तो यहां पर निशान लगाएंगे। हिप्स अपनी 38 इंच है, तो यहां पर मैं 16 इंच पे निशान लगाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा हो गया सोल चौक 64 इंच, 64 इंच। ठीक है, यहाँ पर मेरी हिप्स के जो राउंड गोलाई है 38 इंच है, यहाँ पर करीबन मेरा ये जो है
26 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हो 15 इंची, 20 इंची, 28 इंची, 30 इंची, हेल्थ के अनुसार इसमें कपड़ा आप जो चुनट वगैरह डालेंगे वो कपड़ा यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ऐसे ही सेम दूसरा निशान यहाँ पर लगाना है। अब तीसरा निशान यहाँ पर आ जाएंगे, ये अपनी जो है जो घुटना है उसकी गोलाई, यहाँ पर घुटने की गोलाई 14 इंची है, तो 14 इंची का हो गया अपना, 2 इंची प्लस कर लेंगे इसमें, तो 8 इंची पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 8 दूनी 16 इंच, ये दो पार्ट में ही चलेगा यहाँ पर, तो 8 इंची पे मैंने ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर जो सलवार की जो मोरी है इसकी चूड़दार की 10 इंची है, तो 5 इंची पे और 5 इंची पे यहाँ पर ये मेरी एक्स्ट्रा चूड़ियाँ आएंगी, तो ये मैं इसमें कोई लूज नहीं रखूंगा, बिल्कुल फिक्स ही इसे रखने वाला हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये निशान इससे मिला लेंगे सीधा, और एक निशान ये नीचे चूड़ी वाला ये इसको मिला लेंगे, और एक स्केल से यहाँ से इसको ये मिला लेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको ये से शेप दे देंगे। यहाँ पर कोई थाइज वगैरह की नाप वैसे आप लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉपरली फिटिंग चाहिए, परफेक्ट फिटिंग, तो इसको थोड़ा सा आप अंदर से भी दबाकर इस तरह से ले सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लूज भी, कई लोग सीधा भी काट देते हैं, तो वो अलग अलग सभी के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर मेरी जो थाइस की है गोलाई 21 इंच है, तो ये यहाँ पर बैठती है, तो ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ मेरी परफेक्टली है, तो इसमें इस तरह से आप गोलाई दे दें ऑटोमेटिकली सही आएगी। तो ये तो हो गई इसकी चूड़दार की मार्किंग। अब इसमें जो म्यानी लगाते हैं वो अलग से न काट कर इसी में लगाएं, उसके लिए भी एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसी में एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इसमें म्यानी भी मैं साथ में कटिंग करूँगा। अब इसकी कटिंग करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ये एक्स ऊपर से कटिंग कर लिया। अब ये तो अपना मार्किंग हो गया फिटिंग का, अब इसमें आपको जितना एक्स्ट्रा चाहिए 1 इंची या 2 इंची जितना कपड़ा आप रख सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर कटिंग कर रहा हूँ। तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया और इसे कट कर दिया, ठीक है, और नीचे ये मुड़ाई के साथ में इसको अलग से कटिंग कर लिया, तो ये चूड़दार अपनी एक कटिंग हो गई। अब यहाँ पर करीबन 5 इंच की, 5 इंच के आसपास अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं हुकाई लगाऊं, तो हुकाई के लिए कुटका लगा लें और ये नीचे मुड़ाई का जाएगा, इस पर निशान लगा दें इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना जो है हुकाई के लिए हो जाएगा, मुड़ाई के अनुसार यहाँ उकाई भी लगा सकते हैं या सीधा भी आप लगा सकते हैं, इसके भी अलग अलग तरीके हैं। इसमें और एक दो कुटके और लगा लें यहाँ पर आप, तो जब आप सिलाई करेंगे तो ये कुटके से कुटके मिलेंगे, तो जो पल्ला है एक पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा, तो ये कुटके आप लगा लें इस तरह से। अब इसमें जो दो पल्ले बचे हुए हैं अपने, 4 पल्ले हैं वैसे तय में, तो एक पल्ला ऊपर वाले को, तो इसको तो रखते हैं साइड में, और इसमें जो किनारी है, ठीक है, ये किनारी है इसमें, तो ये किनारी वाला दूसरा हिस्सा अपना इस तरह से लेते हैं। इसमें भी एक किनारी है, किनारे से किनारे मिलाएंगे, ये यहाँ पर जॉइंट लगाना बता रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, इस किनारे से किनारे मिला लेंगे और इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, जो दबाव में अपना जाएगा वो बिल्कुल सह जाए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी ना रखें और कम भी ना रखें, जो मार्किंग है अपनी उसी के बराबर इस कपड़े को रखें, ठीक है। इस तरह से आ गया, और यहाँ से इस कपड़े को ऐसे टेढ़ा करके, जैसे मार्किंग लगाया है ऐसे यहाँ से जो निशान को टेढ़ा करके यहाँ से इसे कटिंग कर लेते हैं इसी कपड़े को। तो ये मैंने इसको कट कर लिया और इसको यहाँ से थोड़ा सा एक रफली मैंने कट कर लिया। अब इस पल्ले को थोड़ा सा ऊपर मैं रखता हूँ इस तरह से। अब ये कपड़ा इसी का निकला है, तो इसमें ये आड़ा है, तो ये इसी से किनारी मिलाएंगे, ये ऐसे सेम इसी कपड़े की। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहा है इसको तो मैं काट देता हूँ, ये काट दिया और इसी के ऊपर सेम मिला दिया इस कपड़े को। इसमें भी वही दबाव को मिलाकर इसमें रखना है और इस पल्ले को वापस से इस तरह घुमा देना है, ठीक है। और फिर से ये लाइन खींचनी है अपने को, जो पहले लाइन खींची थी वही सेम लाइन यहाँ पर खींचनी है और एक लाइन यहाँ पर खींचनी है और इसको फिर से मिला देनी है, मतलब एक खाका फिर से तैयार अपना हो जाएगा। अब इसको म्यानी जो एक्स्ट्रा ने कटिंग करके इसी में काट लेंगे और ये जो कटिंग करने का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आसानी से, और इसको काट देते हैं। तो इस तरह से इसके दोनों जॉइंट भी हैं लग गए और ये ठीक है, इस तरह से इसमें म्यानी भी लग गई और ये बड़ा जॉइंट हो गया और ये छोटा जॉइंट हो गया। तो ये तो हो गई इसमें। अब इसमें एक चीज और बता दूं, यहां पर ये जो मार्किंग है
वो आप दूसरी साइड भी उठा लें इस पे सेम ऐसे करके, ठीक है। या फिर आपके पास एक मार्कर होगा इसका, अगर मार्कर इस टाइप का मार्कर आता है उससे भी आप जैसे मार्किंग आपने फिक्स किया है वहां पर इसे निशान लगा लें इस तरह से, इस मार्किंग से। और जैसे ही मार्किंग दूसरी साइड उगड़ जाएगा वहां पर आप निशान लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये भी हो गया, आप बाहर वाले पल्ले पे निशान लगाएं और सेम अंदर वाले पल्ले पे निशान लगाएं, ठीक है। तो ये निशान भी अपने लग जाएंगे। तो अब इसका बेल्ट कटिंग करेंगे, जो दूसरा पल्ला बचा हुआ था उसमें से। अब इसमें बेल्ट तैयार लगाएंगे कटिंग करके 8 इंची। तो 8 इंची का एक निशान यहाँ पर, 8 इंची का एक निशान यहाँ पर, और इन निशानों को मिला लेंगे स्केल से इस तरह से। और बेल्ट की लंबाई चौड़ाई किस तरह से रखें वो भी मैं बता दूं। यहाँ पर 38 मेरी हिप है, तो इसमें +10 करके भी आप लगा सकते हैं, 8 करके भी, 8 प्लस करके भी लगा सकते हैं। साइज के अनुसार अब इस बेल्ट को आप लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 करूँगा, तो मेरा ये हो गया 38 + 10 48 इंच। तो 48 का आधा हो गया, ये मेरा 24 इंच। तो 24 इंच का मैं 24 इंच का बेल्ट यहाँ पर लगाऊंगा। तो ये 24 इंच यहाँ पर मेरा आ गया, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी कटिंग यहाँ से। यहाँ पर आपके छोटे मोटे जॉइंट आ सकते हैं बेल्ट के अंदर, तो वो लगा सकते हैं। और ये बेल्ट हो गया, और इसमें जॉइंट आए तो वो लगा दे। फिलहाल मेरा छोटा सा जॉइंट है वो लगा दूंगा, इस साइड से भी आप इसे कटिंग कर ले। तो ये तो हो गई अपनी चूड़दार की कटिंग। जितनी आसान तरीके से मैंने कटिंग बताई है उससे भी आसान तरीके से इसकी सिलाई बताने वाला हूँ। अब यहां पर आपको जैसे आपने कटिंग करके रखा है इसको वैसे ही आपको उठाना है, ठीक है। तो ये दो पल्ले, तो मैं ये बड़े जॉइंट के पल्ले हैं इनको साइड में उठा के रख लेता हूँ, ये वाले मेरे छोटे पल्ले हैं। आपको एक आइडिया दे दूं, अगर आपके इधर उधर हो तो इस पे कुटका लगा लें और इस पे कुटका लगा लें, ये इस पे सिंगल लगा लें, इस पे डबल कुटके लगा लें आप, और दूसरा जो बड़ा कुटका है उसमें भी डबल कुटके लगा लें। तो आप उसका आइडिया हो जाएगा कि छोटे जॉइंट कौन से में लगेंगे और बड़े जॉइंट कौन से में लगेंगे। तो इस तरह से, तो सबसे पहले तो इसको रखते हैं इस तरह से, सीधा कर लेते हैं और इस पल्ले को इधर निकालते हैं, और यहीं पे दूसरा पल्ला ये ले लेंगे एक पल्ला, ठीक है। और जैसे उठाया वैसे ही अपने को जॉइंट लगाना है यहाँ पर। तो ये सीधा सीधा बराबर आधा इंच का दबाव लेंगे और सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई तो अपनी लग गई, ठीक है। अब इस पल्ले को ऐसे कैसे, जैसे इसमें एक क्रॉस आ रहा है ऐसे ही इस क्रॉस से, और किनारे से किनारे अपनी मिल रही है यहाँ पर। तो ये दूसरा पल्ला, अब इसमें करना क्या है, ये वाला पल्ला, ठीक है। यहाँ पर एक किनारी आ रही है तो मैं ये वाली किनारी इससे मिल गई है, तो ये चीज भी इसमें इससे मिला कर लें। तो ये भी इससे मैं मिला लेता हूँ और इसको बराबर करके यहाँ पर फिर से जॉइंट लगा लेते हैं। तो ये दोनों जॉइंट आमने सामने हो जाएंगे, जवा भी चलेंगे इसमें भी पूरे जॉइंट, अन्यथा आप एक साइड लगाएंगे उल्टा सीधा का ध्यान में रखेंगे तो वो एक जॉइंट बैक में आएगा एक जॉइंट फ्रंट में आएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये दो जॉइंट तो हो गए अपने, ठीक है, इस तरह से। अब एक पल्ले को हटा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये अपना जॉइंट होके सीधा हो गया है, ये देखिए ये सीधा हो गया है और इधर म्यानी आ जाएगी। अब यहां पर किनारी वाला जॉइंट बच रहा है, ठीक है। तो ये वाला जॉइंट लेंगे और इससे मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये पल्ला मेरा सीधा हो रहा है और ये राउंड शेप आ रहा है, इधर म्यानी अपनी आ जाएगी। तो इस तरह से अपने को जॉइंटना है। अब कई दफे जॉइंट लगाते वक्त ऐसे हो जाता है, तो ये जॉइंट ऊपर की तरफ सीधा चाहिए तो उल्टा हो गया, तो ऐसे नहीं लगाकर अपने को इस तरह से लगाना है। जैसे आप कटिंग करें वैसे ही फीस को उठाएं और उसी तरह से आप उसको लगाएं। तो इसको यहां से मिला लेते हैं और ये जॉइंट यहां से इसमें अटैच करते हैं, ये सीधी सिलाई अपनी आ जाएगी, ठीक है। ये लग गया, अब दूसरा पल्ला है इसको उठा लेते हैं, और इसमें भी देख लिया कि ये जॉइंट अपना सीधा हिस्सा है, तो यहां से अपना जॉइंट लगेगा और इसको यहां से सेम वही जवाब मिलाएंगे इसको, और यहां से इसको अटैच करेंगे और ये सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से अपने जॉइनों जॉइंट लग जाएंगे, जॉइंट लग गए। जॉइंट लगने के बाद एक चीज और बता दूं, यहां पर आप नोक की सिलाई लगा सकते हैं इन जॉइंट के ऊपर, ऊपर की तरफ मार्जिन करके इनका जॉइंट की तरफ ही मार्जिन करें और दोनों के ऊपर लब की सिलाई लगा लें। अब इस पे दोनों पल्लों को मिला लेते हैं,
ये इस पल्ले को यहाँ से मिला लिया और इस मैनी पे और इस साइड जो दूसरी साइड है, ये जो आसन है इसका, इन दोनों पे डबल डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब इसमें चूड़दार में कई चीज़ें, अगर मैं टिप्स बता दूँ, अगर किसी की हेल्थी हिप्स है तो आप पूरी चूड़दार में छोटे छोटे चुनर डाल सकते हैं, चारों तरफ घेर रहेगा, ठीक है। या फिर आगे आगे चुनर डाल सकते हैं, बैक में एक एक चुनर डाल सकते हैं, या फिर आगे और पीछे बराबर चुनर डाल सकते हैं, वो भी बेस्ट है। तो मैं आगे और पीछे इसमें बराबर चुनर डालूंगा, तो यहाँ से और इसमें जो है यहाँ से टुकड़ा लगा लें और इसमें बराबर बराबर गेदर डाल लें आप इस तरह से। ये देखिए मैं डालना बता देता हूँ, गेदर डालूंगा आगे और पीछे इस तरह से, छोटी छोटी बारीक बारीक तरीके से आपको गेदर डालनी है, एक आइडिया के तौर पर डाल लें और फिर बेल्ट से मिलाकर भी डाल लें। तो ऐसे ही फ्रंट में और बैक में मैं चुनट ये यहाँ तक डाल ली, ठीक है, और ऐसे ही करके दूसरी साइड यहाँ से इसमें चुनट डाल लेते हैं। ये चुनट अपनी डल गई है। अब इसका बेल्ट इसके बराबर लेंगे और तैयार करेंगे। पर मैं बता दूं आपको, ये मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है, बेल्ट में मैंने इधर सिलाई मारी है पहले और फिर इधर सिलाई मारी है, फिर इन दोनों पल्लों को इधर करके बीच में सिलाई लगा कर दोनों तरफ इसकी चिराई कर ली है जॉइंट की, और फिर इसको बेल्ट को ऊपर की तरफ नेफा मोड़ लिया है और यहाँ से कट लगाकर मैंने नाड़ा डालने का छोड़ दिया है। तो ये मेरा बेल्ट इस तरह से तैयार हो गया, ठीक है। अब इस बेल्ट को रखते हैं इस तरह से और जो अपन ने चुनट डाला है उसको मिला के देख लेते हैं इसको। तो इसको मिलाते हैं, अगर ये ज़्यादा रहा तो चुनट और डालेंगे, कम रहा तो चुनट में से थोड़ा कम कर देंगे। तो ये देखिए मेरा जो आइडिया है बिल्कुल परफेक्टली है, मामूली सा थोड़ा सा जा रहा है तो इसको बेल्ट लगाते वक्त इसे सेट कर दूंगा। बेल्ट कैसे लगाते हैं वो भी मैं दिखा दूँ ज़रा सा, इसको इस तरफ से रखेंगे, ये मेरा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर सीधा हिस्सा है, तो ये मेरा फ्रंट मान लीजिए, इसमें दो जॉइंट हैं, छोटे वाले और बड़ा वाला, तो कोई सा भी जॉइंट आप बैक में रख सकते हैं या फ्रंट में रख सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कुर्ते के अंदर नीचे दब जाएंगे, कोई दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये मेरा फ्रंट का हिस्सा है, तो ये मेरा जॉइंट है, सामने का आसन यहाँ पे रखूंगा और वही दबाव के अनुसार, बिल्कुल बराबर दबाव के अनुसार चारों तरफ इस बेल्ट को चढ़ा देंगे। इसको चारों तरफ अटैच कर लेते हैं। इस तरह से मेरा बेल्ट मैंने अटैच कर दिया है और मैंने साथ में यहाँ पर एक पैर की सिलाई भी बेल्ट के ऊपर लगा दी है। आप लब की सिलाई भी लगा सकते हैं, ओवरलॉक करके निकाल के लगा सकते हैं। तो ये बेल्ट मेरा परफेक्टली अटैच हो गया है, ठीक है, ये बेल्ट भी लग गया। अब करना क्या है आपको, यहाँ से इन पल्लू को मिलाना है, एक सिंगल जो लेग होगी उसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, और जो निशान लगाया है अपना यहाँ से इसी मार्किंग के ऊपर अपने को सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने का तरीका यही है कि मार्किंग के ऊपर ही अपने को सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से। और कुटके भी कैसे मिलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए मेरा कुटका आ गया, इस कुटके को मैं कुटके से मिला के लगाऊंगा ना, तो मेरी जो चूड़दार का एक पल्ला या बड़ खाने का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली एकदम सीधी चूड़दार आएगी। तो ये एक सिलाई तो पहले इसमें चारों तरफ लगा लेता हूँ, फिर दूसरी सिलाई किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सिलाई लगाने के बाद आप इस चूड़दार को थोड़ा खींचें, अगर आपकी सिलाई चटकती है तो ठीक है, नहीं चटकती तो और भी अच्छी बात है। अगर सिलाई चटकती है, इस तरह से ही सिलाई मेरी चटक गई है, ठीक है, टूट गई है। अब इस पर दूसरी सिलाई और लगाएंगे, इसी सिलाई के ऊपर दूसरी साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई फिर से लगा देंगे। तो ये सिलाई थोड़ा खींच के लगाएं तो सिलाई क्या है कि आपकी चटकेगी नहीं और परफेक्टली आ जाएगी। तो अब यहाँ पर इसके जो नीचे की मोरी कैसे सेट करेंगे, कैसे फोल्ड करेंगे वो बता दूँ। यहाँ तो आप सीधी मोड़ के, पहले इसको मोड़ के और फिर सीधी सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं हुकाई वाला थोड़ा खुला रखने वाला हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मार्किंग है सबसे पहले तो इसी के ऊपर सूती लगाऊंगा और इस पल्ले को इसी के बराबर मैं फोल्ड करूँगा। ये देखिए, ये इस तरह से इस पल्ले को इसी के बराबर लूँगा और इस पर सिलाई लगा दूँगा, यहाँ से लेके इस सिलाई को और इस तरह लेके यहाँ तक लेके आऊँगा जहाँ से अपने सिलाई स्टार्ट की थी, और इसको यहाँ पर निकाल दूंगा, ठीक है। इसमें तलपट करना भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे तलपट एक छोटा बड़ा पल्ला रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक फोल्ड हो गया। अब इसमें क्या है कि तलपट करने का यही तरीका, इसमें इतना बड़ा रखूँगा इस बैक पार्ट को, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऊपर से थोड़ा ऊपर से सिलाई लगाऊंगा ऊपर की तरफ से, और जो अपन ने फोल्ड किया है
उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये अपना जो है तलपट हो जाएगा, छोटा बड़ा पल्ला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अपना जो है ये पल्ला छोटा बड़ा हो गया, हुकाई लगेगी तो ऐसे कैसे ये सेट हो जाएगा। और इसे नीचे की तरफ इतना अपन फोल्ड कर लेंगे, इसको मोड़ देंगे। ऐसे ही दूसरे वाला पल्ला जो है वो लगाएंगे। तो इसमें करना क्या है, इसकी टिप्स मैं बता दूं। अब इस ऊपर वाले पल्ले को तो अपने को बड़ा रखना पड़ेगा, यूं छोटा फोल्ड करना पड़ेगा, यूं बड़ा रखना पड़ेगा। और इस वाले पल्ले को ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये भी जवाबी हो जाएगा, इसमें भी फर्क नहीं होगा। तो इस तरह से अपने एक चूड़दार बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अपने एक चूड़दार बन के तैयार है। इसे सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए सीधा कर लिया, और ये आ गया अपना बैक पार्ट इस तरह से, और ये अपनी आ जाएगी चूड़ियाँ इसमें, ठीक है। ये दूसरा लेग आ गई। जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।